श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहत्मस्वामि प्रयत्तात्मनः। पत्ते फूल फल तोय जल कुछ भी चढ़ा ले, मुझे सब स्वीकार। लंबा आयोजन नहीं चाहिए, भले पत्ता चढ़ा मुझको, तुलसी दल एक तुलसी चढ़ा दो, फल है फल चढ़ा दो, पत्ता भी नहीं फल भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, पानी तो है वही चढ़ा दो, पर भक्ति से चढ़ा, भक्ति से चढ़ा। तदहम तब ही मैं ऐसी भावना करके प्रभु आपको अर्पण कर रहा हूँ, प्रभु स्वीकार करिए। अब मान लो वहाँ तो मूर्ति है फोटो है, वो तो लेगी नहीं, न पत्ता न फल न पानी तुम्हारा, लेकिन मालूम फिर भी ये करने का लाभ होता है। क्यों? हमने अर्पण कर दिया, अर्पण करने का जो आनंद है वो भक्त को मिलता है। Are you getting what I am saying? It is not the act, it is the emotion behind it. देखो आप भोजन करने बैठते हो ना तो पट 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 खा जाते हो, भक्त कहता भोजन आया सामने, वहां हाथ जोड़ता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि हे ब्रह्म स्वरूप अन्न, तुझे मैं भीतर बैठे ब्रह्म को अर्पण करता हूं। ये तो हुई योगी की भाषा। भक्त कहता है हे भगवान आप हमारे हृदय में रहते हो, ये भोजन हम आपको देते, भोग लगाइए। और प्रणाम करके अन्नम ब्रह्म, अन्न को प्रणाम करके फिर जब आप खाते हैं तो ये भोजन नहीं है प्रसाद हो जाता। पर आप जब भोजन खाने बैठते हैं आपको याद भी नहीं आती है कि ये भी कुछ करना चाहिए। मजेदार व्यंजन सामने पड़े हो, मजेदार भोजन सामने पड़े हो तो भगवान कहाँ याद रहते, जीभ लप लपा रही होती है, फटफट खा जाते हो, भूल जाते हो। पहले गोविंद को अर्पित करो। पूजा का सामान तो वो अर्पित करे, भोजन तो वो अर्पित करे, और फिर तीसरी बात होती जो कर्म करे वो कर्म भी उसी को अर्पित कर दे। देखिए हम पुण्य करें तो अहंकार आता है, हमने इतने तीर्थ किए इतने यज्ञ किए इतने मंत्र अनुष्ठान किए इतने हवन किए इतने मंदिर बनवाए, अहंकार आता है, पागल है ना, अहंकार किए बगैर रहता ही नहीं। और बुरे कर्म करेगा स्वभाव से तो पीड़ा होती है, ग्लानि होती है, अरे मेरे से ये हो गया, अरे मेरे से ये हो गया, अरे कैसे हो गया, अरे मैंने कैसे कर दिया, मैंने को ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों कर दिया। प्रभु कहते चिंता मत कर, गीता ने इतना बड़ा आश्वासन दिया, शुभ कर्म हो मेरे अर्पित कर दे, पाप कर्म हो जाए वो भी मेरे ही अर्पित कर दे। पर शुरुआत कहाँ से करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहां से शुरू करें, पहले वस्तु अर्पित करें उसको, फिर कर्म भी अर्पित कर दे। अब देखिए जब हम ये बोलते हैं ना, जैसे एक महात्मा मुझे मिले कहते मैंने अपना गुरु आश्रम छोड़ दिया था, तब वहां पे 12 करोड़ रुपया था, छोड़ दिया मैंने, लात मार दी थी, किसी और को गुरु गद्दी दे दी, खुद मैं निकल गया, और उनको गुरु आश्रम छोड़े आज 30 वर्ष हो चुके,
पर वो जितनी बार मिलते हो उतने बार मुझे यही कहानी सुनाते हैं, लात मार दी थी 12 करोड़ को, लात मार दी थी 12 करोड़ को। तो मुझे लगता लात ठीक से लगी नहीं, मारे जा रहे ना, अभी तक लग ही नहीं रही है। अब चूंकि वो उम्र में बड़े हैं मुझसे, बहुत बड़े, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती, शोभा नहीं देता है। हम अपने से आयु से बड़े, ज्ञान से बड़े व्यक्ति को सलाह न दें तो ये अच्छा होता है। पर वो हर बार बोलते, हम हर बार सुन लेते, क्या हमारा क्या जाएगा। त्याग करे तो त्याग का भी अभिमान हो जाता है, इसलिए कृष्ण कहते त्याग मत कर, अर्पित कर। अर्पित हम किसको करते, वो वस्तु का मालिक पहले से ही खुद है, तो तेरा तुझे दिया, अब इसमें मैं क्या अभिमान करूं, बोलो। तेरा तुझको दिया, हाउ कैन आई बी बोस्टफुल, आई कैन नॉट बी। तेरा तुझको दिया, तेरा ही सामान था, तुझे पकड़ा दिया। समीराम सुखदास जी ये कहा करते थे कि जो धनी आदमी है ना, वो अपने आप को ईश्वर का मुनीम समझे, क्लर्क समझे, है मालिक वो, तू सिर्फ मनीम। तो अगर कोई धन्ना सेठ है, अमीर है, और किसी को वस्तु देवे, जिसे आप चैरिटी या डोनेशन कहते हो, बट आई एम सो श्योर वी कैन नॉट डू चैरिटी, वी कैन नॉट डू डोनेशन, बिकॉज वी डोंट ओन एनीथिंग, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय लॉर्ड, हाउ कैन यू डोनेट। ये तो ऐसे हो जैसे एक आदमी अपने दोस्त का जन्मदिन पे गया और उसको कहता है, चल यार तेरे जन्मदिन की खुशी में तुझे ताजमहल गिफ्ट किया, तो वो तेरे बाप का है क्या? एक प्रेमिका को उसका प्रेमी कहता है, ले प्रिये हमारी इस वर्षगांठ के मौके पर ये पूर्णमासी का चांद तुझे दिया, अब वो बेवकूफ होगी तो मान लेगी, वैसे बेवकूफ ना होती तो ऐसे मूड से मोहब्बत ही क्यों करती, जो चांद देता फिरता, कोई अकल तो बात तो कर नहीं रहा ना ये। अब आपकी औकात 1 किलो टमाटर देने की है, 2 किलो आम देने की है, 1 चॉकलेट देने की, वो दे दो, चांद तुम्हें दिया, कैसे, यू डोंट ओन इट। तो हम गुरु को, भगवान को क्या दे सकते, क्या औकात हमारी, कुछ नहीं, दे नहीं सकते, सिर्फ अर्पित कर सकते। तो गुरुदेव को कुछ देना हो तो उसके चरणों में रखिए और प्रणाम करिए। ये इसमें भी कई लोग सोचते कि चरण में जब तक हाथ न लग जाए तब तक प्रणाम नहीं होता, लेकिन सच ये है प्रणाम की विधा में चरण को स्पर्श नहीं किया जाता, उसका ट्रेडिशन ये है कि हम चरण का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं। क्यों, हम कहते हैं चरण कमल, चरण कमल, कमल माने कोमल। अब कमल को हर बंदा देखने वाला हाथ लगा लगा करके छुए तो कमल टूट नहीं जाएगा, मुरझा नहीं जाएगा, तो कमल हम दूर से देखते। तो गुरुदेव के चरण कमलों का दर्शन करे और दर्शन करके प्रणाम करे, काफी होता है। कई बार कई सोचते नहीं, गुरुजी ना सिर में भी हाथ रखे, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से सीरियल देखते हो तुम लोग,
एक ने कहा, गुरुजी सिर में हाथ रख दो, मैं देखो तेरी जान का खतरा हो जाएगा। बोले वो क्यों? मैं, हमारे हाथ से करंट निकलता 440 वोल्ट का। तो कहते नहीं यहाँ हंस रहे हैं, ऐसे ही आप कह रहे, मैं करना ट्राई। सिर में हाथ रखो, नाम नहीं रखते। आशीर्वाद किसने कहा ऐसे होता है? मुझे वो पुराना गीत याद आता तो बहुत अच्छा लगता है, आंखों ही आंखों इशारा हो गया। वहां छूने छुआने की बात नहीं है। हाँ, छूने छुआने की बात कहाँ है? सिर में हाथ रख दो, कोई आते जी आपके पैरों को छुएंगे, मैं क्यों क्यों छुएंगे? छूना अच्छी बात थोड़ी होती। और कितनी बीमारियां हैं जो छूने से ही आती हैं, दांत काज खुजली, जालिम लोशन लगाओ, काहे छुआ में हम? लोगों को विधि भी नहीं मालूम, कैसे करते हैं मालूम नहीं, सीखा ही नहीं। गुरु के चरण कमल का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात, ना हो तो भाव से शीश झुक जावे। आहा, बस आनंद झुकने का है, चरण छूने का कहाँ, झुकने का। अब अगर तुम्हें झुकना नहीं आता है तो गुरु का चरण छू भी लोगे तो भी कुछ ना होगा, और अगर तुम्हें झुकना आता है, तेरा दर समझ के सर झुकना था सो झुका दिया, वो काबा था कि बुत खाना खुदा जाने। झुकने का आनंद अर्पित कर दे, सब दे दे उसको, कुछ रख ही मत अपने पास, सब दे दे उसको। मेरा भाव करती है प्रभु सब तेरा है, बस इतनी ही अर्ज है कि प्यारे अपने चरणों में दासी बना के रख, बस तेरी दासी बनूं मैं, मैं तेरी चाकर बनूं। चाकर माने नौकर, दुनिया की चाकरी क्या करनी भाई, दुनिया की कर लो जितनी मर्जी नौकरी चाकरी, बाद में क्या मिलता है? सारी जिंदगी गंवा के चंद रुपया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पर चूंकि आपको रुपया ही चाहिए इसलिए रुपया के लिए करते रहते हो काम। मीरा को रुपया चाहिए ना, इसे तो प्रेम चाहिए। तो माधव को कहती है, माधव हे गोविंद, अपना नौकर बना ले मुझको। बड़ी नौकरों की भी बड़ी शान होती, किसके नौकर हैं जी हम? लोग बड़े खुश होते किसी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए ना, बड़े खुश होते हम उस कंपनी में हैं, यू आर सो प्राउड ऑफ इट। 10 लोगों को बताएंगे, तुम्हें पता हम कहाँ काम करते, वहां काम करते। तो सबसे ऊंची सरकार प्यारे किसकी है? तो मीरा अपना जो जॉब एप्लीकेशन है ना, वो सांवरे जी को देती, लियो मेरी जॉब एप्लीकेशन। उसने ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दी श्याम सुंदर ने, मीरा खुद ही दे रही है। नहीं करनी नौकरी किसी की, नहीं करनी चाकरी किसी की, बस तेरे 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 ही साथ अपने मन का, अपने जीवन का, अपने तन का रिश्ता जोड़ूंगी, और किसी के साथ नहीं। प्रेम से श्रवण करिए मीरा के इस वचन को।
मिटा कर राखो जी, मन माने मुझे मन चा कर राखो जी, 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 चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर ए चाकर, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। चाकर रहे सू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहे सू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू जी, मैं तेरी लीला गासूं, मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो, प्यार से गाओ, चाकर राखो, 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 चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पावो, सुमिरन पावो करजी, चाकरी में दर्शन पावो, सुमिरन पावो करजी, बाब भगति जागीरी पावो, बाब भगति जागीरी पावो, तीनों बाता सरसी, ए तीनों बातां सरसी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर
मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला वृंदावन में तेनु चरावे वृंदावन में तेनु चरावे रे मोहन मुरली वाला हे मोहन मुरली वाला मन चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी चाकर राखो 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 जी चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी मन चाकर राखो बाग लगाओ ए हरे हरे नित बाग लगाओ बिच बिच राखो क्यारी बिच बिच राखो क्यारी बिच बिच राखो क्यारी बिच बिच राखो क्यारी सांवरिया के दर्शन पाव सांवरिया के दर्शन पाव पैर कुसुम्बी सारी पैर कुसुम्बी सारी मन चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी चाकर राखो जी मन चाकर जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी हे जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी के प्रभु गिरिधर नागर सदा रहो जी धीरा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सदा बसो जी धीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीने आधी रात प्रभु दर्शन दी प्रेम नदी के धीरा राखो जी।
चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो रात हो हो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो 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 जी मन चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी मन चाकर